आइफा 2024 का मेन इवेंट 28 सितंबर की रात आबूधाबी के यास आइलैंड में हुआ जहां से डांस वीडियो और शाहरुख खान के होस्टिंग की झलक सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है इसी बीच अल्फा 2024 के विनर्स की पूरी लिस्ट सामने आ गई है जिसमें किंग खान ने बाजी मारते हुए बेस्ट एक्टर का खिताब अपने नाम किया है जबकि रानी मुखर्जी ने यंग एक्ट्रेस को पीछे पछाड़ते हुए बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब अपने नाम कर लिया है इसके अलावा लिस्ट में बॉबी देवल और अनिल कपूर का नाम भी शामिल है शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड जवान के लिए मिला जिसे उन्हें फिल्म मेकर मणि रत्नम और आर रहमान ने दिया वही किंग खान दिग्गज फिल्म मेकर के पैर छूते हुए तो सिंगर के गले लगते हुए नजर आए रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेज नार्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला जिसे लेते हुए एक्ट्रेस ने कहा आइफा में यह अवार्ड पाना और भी ज्यादा खास लगता है क्योंकि यह इस फैक्ट को प्रमाणित करता है कि मिसेज चटर्जी भी नार्वे ने ग्लोबल लेवल पर लोगों के दिलों पर प्रभाव डाला है चटर्जी भी नॉर्वे की सफलता कहानी कहने के साथ साथ शक्ति और मातृ प्रेम और मानवीय लचीलेपन की सार्वभौमिक भाषा की पुष्टि करती है इस भारतीय अप्रवासी माँ की कहानी ने मुझे गहराई से झकझोर दिया एक बच्चे के लिए माँ का प्यार बिना किसी शर्त के होता है कुछ ऐसा जिसे मैं तब तक एक मिथक मानती थी जब तक कि मेरा अपना बच्चा नहीं हुआ बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल के लिए अनिल कपूर को चुना गया जो उन्हें एनिमल के लिए मिला रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए सबाना आजमी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल का अवार्ड मिला वहीं एनिमल के लिए बॉबी देवल को बेस्ट परफॉर्मेंस नेगेटिव रोल मिला अन्य विनर्स की अगर बात करें तो बेस्ट पिक्चर के लिए एनिमल भूषण कुमार कृष्ण कुमार प्रणय रेडी वांगा को चुना गया विधु विनोद चोपड़ा को बारहवीं फेल के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया एनिमल के लिए प्रीतम विशाल मिश्रा मनन भरद्वाज, श्रेष्ठ पुरनायक जानी भूपिंदर बब्बल आसिम खेमसन हर्षवर्धन रामेश्वर को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड मिला एनिमल के नाम अर्जन वैली गाना गाने वाले सिंगर भूपिंदर बबल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल के लिए शिल्पा राव को चुना गया जिन्होंने जवान का गाना चलिया गाया स्पेशल अवार्ड की लिस्ट में हेमा मालिनी को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा का अवार्ड दिया गया रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला एनिमल के सतरंगा के लिए सिद्धार्थ सिंह और गरिमा वलाल को बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला